दोस्तों मैं भी टॉस टूलीज भाई यूट्यूब पे भाई प्री मैच एनालिसिस है। प्री मैच एनालिसिस किसका है? वो है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान जो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है, साउथ अफ्रीका जो सेमीफाइनल तक पहुंचती है बट क्रॉस नहीं कर पाती है सेमीफाइनल और फाइनल। पिछली बार 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। और देखा जाए काफी लंबे अरसे बाद वो चार ओडीआई फिनाले में पहुंचना। 1998 चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे थे और जीते भी थे। उसके बाद वो कोई बड़ी टाइटल जीते नहीं और फिनाले में ना के बराबर ही पहुंचे हैं। एक बार पहुंचे थे बट वो काफी नहीं रहा था और उनसे अब काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी। सेमीफाइनल में एक बार 2015 में ही पहुंचे थे विंड विलियर्स की कप्तानी में बट न्यूजीलैंड से हार गए थे। तो इस बार उनसे काफी ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरी ओर अफगानिस्तान जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है अफगानिस्तान, तो भाई लग रहा है कि भाई साउथ अफ्रीका को भी हरा सकते हैं। देखा जाए दोनों ने भाई बॉलिंग ज्यादा अच्छी की है, दोनों की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट अफगानिस्तान की अगर बैटिंग देखा जाए एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका इन दिस टी20 वर्ल्ड कप तो अफगानिस्तान की बैटिंग ज्यादा ऊपर है। साउथ अफ्रीका ने भी अच्छे स्कोर्स मारे हैं बट अफगानिस्तान के ओपनर्स काफी अच्छा कमाल कर रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका के ओपनर रिजा हैंड्रीड ज्यादातर अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं और उनसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही है। और मार्करम कप्तान है तो उनसे उम्मीदें लगाना तो बनती है। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो भाई राशिद खान ने बोला था ये ड्रीम है हमारे लिए, हम सेमीफाइनल में गए और पहली बार ऐसा किया तो उन्हें ये स्टेज में पहली बार मिलने को मिल रही है और वो चाह रहे होंगे ये स्टेज में अच्छी तरह बुनाया जाए और बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दी जाए। फिलहाल दोस्तों और बढ़ते हैं, उससे पहले बता दूं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग्स के रिगार्डिंग आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों देख लेते हैं भाई साहब 51 विकेट्स लिए हैं बॉलर ने भाई साहब टूर्नामेंट में और ज्यादातर विकेट किसने लिए सीम बॉलर्स ने और ऐसी बात है स्पिनर ने विकेट ले लिया, स्पिनर भी अच्छी ले रहे हैं। राशि देख लीजिए, केशव महाराज देख लीजिए सौ रन की ओर से, प्रॉबेबल 11 की ओर से थे डीकॉक रिजा हैंड्रिक्स मार्करम कप्तान स्टब्स क्लासन मिलर जैनसन महाराज रबादा नॉर्चिए शामसी सेम प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। दूसरे देखा जाए शामसी ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी जिससे चलते मैच जीता था पिछला और उनसे वही उम्मीद लगाई जा रही है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने पलट दिया था और यही उम्मीद उनसे लगाई जा रही है। प्रॉबेबल 11 देख लेते हैं, गुरबाज तो लगी थी बट होपफुली वो फिट होंगे और वो खेलेंगे। गुरबाज जादरन अजमतुल्ला उमर जाहिर गुलाबुद्दीन नायक भी होपफुली फिट होंगे, लग रहा था उन्हें पैर में लगी बट बाद में दौड़ रहे थे तो होपफुली वो फिट ही है। ना भी करीम जन्नत राशिद खान और ठरोती को जगह वो शायद चेंजेस करना चाहें बट मे बी सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। नूर अहमद नबीमुल्लाह और फैजल फरूकी राशिद खान भाई सब एक्स फैक्टर हो सकते हैं। बैटिंग भी परफॉर्मेंस में अच्छी दी थी पिछली बार, बॉलिंग भी अच्छा दी थी, प्लेयर ऑफ द मैच से करीब थे बट नबीमुल्लाह ने जो लास्ट ओवर में सेव किया उसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। हेड टू हेड में देखा जाए भाई साहब सोता के टावे तक पाला पड़ा हुआ है और दोनों के दोनों मैच जीते हैं बट अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में सबने मैच जीते थे उनसे भाई न्यूजीलैंड को हराया नहीं था हरा दिया, बांग्लादेश को हराया नहीं था वर्ल्ड कप में हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं था इनफैक्ट कभी हरा दिया। तो देखा जाए साउथ अफ्रीका को कभी नहीं हराया तो उनको भी हरा सकते हैं। अगर देखा जाए सुबह मैच खेला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 12 तो उनसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही है और साउथ अफ्रीका चाह रही होगी भाई जो सेमीफाइनल का कर्स है उसे निकाला जाए, फाइनल में जाया जाए और फाइनल का भी कर्स निकाला जाए। अब मैं बढ़ता हूँ भाई साहब क्या लोग बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग उन्हें बोल रहे थे कि भाई अफगानिस्तान पहुंच नहीं सकती और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अफगानिस्तान तो यार अगर पहुंची ज्यादातर सुपर एट तक पहुंची बट एक प्लेयर थे जिन्होंने बोला था वो प्रेल लारा, राशिद खान ने बोला था कि भाई प्रेल लारा ने हमारे काउंटर किया, हम उनको पार्टी देंगे और साफ बहुत बढ़िया जशन का माहौल था। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी दे रही है, कंसिस्टेंट रह रही है, स्कोर कम आ रही है बट बॉलिंग भी उनकी काफी अच्छी रह रही है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्लोज गेम जीत रही है जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या लगता है दोस्तों कैसा प्रदर्शन करेंगे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।